13 देखिए क्या कह रहा है। इफ यहाँ एफ एक्स इक्वल टू में दिया फंक्शन 2 का पावर x + 2 का पावर -x/2, हमें निकालना है इसका वैल्यू, हमें निकालना है एफ एक्स प्लस वाई इंटू में एफ एक्स माइनस वाई का वैल्यू। एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का पावर x + y + 2 का पावर -x + y इन हो जाएगा, और बाई में 2 इंटू एफ एक्स माइनस वाई का वैल्यू 2 का पावर x - y + 2 का पावर -x - y और बाई में 2। चलिए आप देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर x + y, ठीक है, और प्लस 2 का पावर -x - y बाई 2, फिर इंटू में 2 का पावर x - y प्लस में 2 का पावर -x + y और बाई में 2। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2x + यहाँ आ जाएगा 2 का पावर 2y + इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर -2y, ठीक है, पावर ऐड होता है ना जी, इंटू होगा तो यहाँ। चलिए और फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ आ जाएगा -2x और बाई में 2 × 2 = 4 कर सकते हो, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पर इसमें से 1/2 यहाँ लिख लेते हैं और फिर ब्रैकेट देकर यहाँ लिख लेते हैं 2 का पावर 2x + 2 का पावर -2x बाई में आपका पूरे के बाई में दे देंगे प्लस में 2 का पावर 2y + 2 का पावर -2y और बाई में आपका 2 × 2 = 4, फिर यही आ जाएगा। चलिए अब देखिए, मैंने इसको खाली सेपरेट कर लिया, वाई वाले को एक साथ एक्स वाले को एक साथ, 1/2 यहाँ अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2 का पावर 2x + 2 का पावर -2x/2 + 2 का पावर 2y - +2 का पावर -2y / 2। तो देखो ये वैल्यू हो जाएगा आपका एफ 2x का और ये वैल्यू हो जाएगा एफ 2y का, जो दिया हुआ फंक्शन f है उसमें 2x रखेंगे तो आएगा, 2y रखेंगे तो आएगा, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू, तो यानी 1/2 f 2x + f 2y, यानी ये a नंबर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देख